हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द एमओ डायग्राम ऑफ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल एंड द एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल इज CO2 व्हिच इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, उनका एमओ डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले में जो मैंने एमओ डायग्राम बताया था वो था BES2 जो कि ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उसका एमओ डायग्राम बताया था। और आज हम ट्राईएटॉमिक ही ले रहे हैं CO2, लेकिन ये क्या है, एक पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, आपको पता है सी इज अ सेंट्रल एटम और इसमें ओ, ये सी सेंट्रल एटम होता है, ये किससे बॉन्डेड रहता है, ओ से, जिसमें आपको पता है एक सिग्मा एक पाई यहाँ बनेगा, एक सिग्मा एक पाई यहाँ बनेगा। तो जनरली स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं, कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम, टू पाई बॉन्ड और टू सिग्मा बॉन्ड इसमें फॉर्म हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से। इस CO2 मॉलिक्यूल में तीन एटम हैं कार्बन और दो हैं ऑक्सीजन। तो दोनों ऑक्सीजन को ना लिख के मैं केवल एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मीन्स परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। तो जिनमें से 1s2 जो है वो क्रोड में पाया जाता है, तो इसको आपने नहीं लिखना है, कोर एटम कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कट कर देंगे। इसके बाद जो 2s2 और 2p2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा आउटर मोस्ट शेल। ऐसे ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, तो इसमें भी पहला जो है इनर वाला ऑर्बिट ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो आउटर मोस्ट शेल है इसके ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड बन सकते हैं और उनमें से कौन से वाले एप्लीकेबल होंगे। तो पहले हम सारी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन के सारे ऑर्बिटल हम लिखेंगे, कार्बन के ऑर्बिटल, ठीक है। तो कार्बन के ऑर्बिटल में आपको दिख रहा है एक एस ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और पी ऑर्बिटल। पी कितने में होते हैं, एक होता है पी जेड, एक होता है पी वाई, एक होता है पी एक्स। मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन के एस पी जेड पी वाई और पी एक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम मेनली इंडिकेट करेंगे कार्बन के ऑर्बिटल को, पहले एस ऑर्बिटल बनाना है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, राउंड शेप, ठीक है। इसको या तो आप कलर दिखा लीजिए या फिर आप इसको एज इट इज ऐसे ही रहने। तो कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ये स्ट्रक्चर, ये कार्बन का ऑर्बिटल, अब ऑक्सीजन के ऑर्बिटल बनाते हैं। ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अभी इंडिकेट नहीं करने हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, तो फिर भी मैं खाली शो कर रही हूँ ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके ऑर्बिटल अभी बाद में शो करेंगे पॉसिबिलिटी। तो एक तो एस ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर सकता है, ये कार्बन का होगा और ऑक्सीजन के कोई भी ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर सकते हैं। सेकेंड केस क्या है, पी जेड, इसका पी जेड जो कि लीनियर एक्सिस में होता है, ये पी जेड ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल है। ऐसे ही कार्बन का पी वाई ऑर्बिटल ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, एक कंडीशन। और ऐसे ही कार्बन का पी एक्स ऑर्बिटल ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से, ये दो ऑक्सीजन है इनके ऑर्बिटल से, कोई भी ऑर्बिटल इसके हो सकते हैं, इससे ओवरलैप कर सकता है। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये बॉन्डिंग ज़्यादा है इसमें बॉन्डिंग कम, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है मैंने, इसके ऑर्बिटल अब शो करेंगे। तो पॉसिबिलिटी जो है, कार्बन के ऑर्बिटल एस ऐसे ओवरलैप कर सकता है, पी जेड फॉर्म में कर सकता है, पी वाई और पी एक्स फॉर्म में। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या बॉन्ड बन सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन बीच में है और ऑक्सीजन जो है दो ऑक्सीजन है, तो इनको ग्रुप ऑर्बिटल भी मान सकते हैं। इन दोनों के ऑर्बिटल क्या होंगे, ग्रुप ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, ये दोनों ऑर्बिटल को हम देखिए, पहले वही कंडीशन, पहले ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, एस वाले ऑर्बिटल, तो हम इनको बना के दिखाते हैं। दूसरे ऑक्सीजन का भी कलर्ड है, ठीक है, सेम फेज में है और बीच में इनमें जुड़ा हुआ है क्या, कार्बन। एक तो बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ऑक्सीजन के ऑर्बिटल, ग्रुप ऑर्बिटल आउट ऑफ फेज हों। आउट ऑफ फेज मीन्स एक कलर्ड और एक विदाउट कलर, दोनों आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेज वाले हों, तो ये भी पॉसिबल है, इसमें भी बॉन्डिंग हो सकती है, वो अभी हम चेक करेंगे। इसके बाद वैसे ही इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। देखिए दो पॉसिबिलिटी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑर्बिटल हैं, दो ऑक्सीजन हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल हैं एस वाले, सेम फेज में भी हो सकते हैं, अपोजिट में भी। यहाँ कार्बन एक ही है इसलिए एक ही कंडीशन है कि एक ही केस में रह सकता है इनमें, ठीक है। अब आते हैं पीजेड, पीजेड में भी दो केस हैं। पीजेड एक तो ये होगा कि दोनों के ऑर्बिटल जो हैं, दोनों के जो ऑर्बिटल होंगे वो आमने सामने हैं, ये कार्बन, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी एक डायरेक्शन में है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन के दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पीजेड के बाद आ जाएगा पीवाई, पीवाई ऑर्बिटल या तो दोनों आमने सामने हों, सेम फेज वाले आमने सामने रहेंगे और ये कार्बन से जुड़े हैं, कार्बन के किसी ऑर्बिटल से, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है पीजेड के दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हो सकते हैं, आमने सामने होंगे उनके, सेम फेज, ठीक है, तो ये कार्बन से बॉन्ड करेंगे, हो सकता है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो अगर कार्बन के ऑर्बिटल सेम फेज वाले यहाँ पर मिल जाएं तो। नेक्स्ट इसके बाद पॉसिबिलिटी है पीवाई, पीवाई की भी दो केस बनेंगे, या तो दोनों ऑर्बिटल सेम फेज के आमने सामने हो, या फिर दूसरा कंडीशन कि पीवाई के दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के अपोजिट हो, लुक एट दिस, दोनों ऑर्बिटल अपोजिट, एक कलर्ड ऊपर तो एक कलर्ड नीचे, ये कार्बन से जुड़े हों। ऐसे ही नेक्स्ट जो है पी वाई के बाद लास्ट जो आएगा वो आएगा पी एक्स, पी एक्स के भी दो केस होंगे, ये वाई थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तिरछा रहेगा, वो अच्छे से नहीं बन पाया, टिल्ट होता है, ये एक्चुअल में ऐसे रहता है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये मैंने ऐसे बना लिया है, हल्का इसे तिरछा बनाएंगे आप, तो पी एक्स जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पहला केस हो सकता है, दोनों के दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने हों इनका फेज। और दूसरा केस हो सकता है कि इसके दोनों ऑर्बिटल अपोजिट फेज वाले हों, आमने सामने इनके अपोजिट फेज रहेंगे और ये कार्बन से जुड़े हैं। तो अब हम चेक करेंगे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉसिबिलिटी बनी। इन 12 पॉसिबिलिटी में से किस में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो अब हम देखेंगे प्रॉपर डायग्राम बना के। तो नेक्स्ट और एमओ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के 2s और 2p को किस कैसे बनाएंगे एनर्जी पोल में, और ऑक्सीजन के 2s 2p को कहाँ पर बनाएंगे। तो पहली बात तो नॉर्मल मैं आपको पहले ही बताती हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहते हैं, और न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहेंगी तो इनकी एनर्जी लो रहेगी, जबकि ये जो है कार्बन, इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से न्यूक्लियस के कंट्रोल में कम रहते हैं, इसकी वजह से इनकी एनर्जी इनकी तुलना में ज़्यादा, मीन्स
कार्बन के ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, मीन्स इनको ऊपर बनाओगे एनर्जी पोल में, और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को थोड़ा सा नीचे। इनमें भी 2s2p की एनर्जी में डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन के 2s की एनर्जी है -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2p की होती है -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2p की एनर्जी ज्यादा होगी और 2s की कम। वैसे भी हमें पता है कि p की एनर्जी ज्यादा रहती है और s न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। अब आते हैं हम यहाँ ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी कम रहती है और 2p की एनर्जी ज्यादा रहती है। तो सबसे कम एनर्जी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी सबसे कम है, तो ये सबसे नीचे बनेगा। इससे ऊपर बनेगा क्या, उसके जस्ट ऊपर दूसरी साइड, एक साइड ऑक्सीजन का एनर्जी पोल, एक साइड कार्बन का एनर्जी पोल। तो ऑक्सीजन के एनर्जी पोल की अगर बात करें, सबसे नीचे बनेगा ये वाला 2s, और इससे ज़्यादा एनर्जी है कार्बन के 2s की, तो लेफ्ट साइड में कार्बन के 2s के 2s ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी होती है ऑक्सीजन के 2p की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, कार्बन के 2p की एनर्जी। तो 2p सबसे ऊपर रहेगा कार्बन वाला। अब इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं एमओ डायग्राम। अब आप सबसे पहले एनर्जी पोल ड्रॉ करेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक साइड एनर्जी पोल के एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के शो करेंगे और दूसरी साइड ऑक्सीजन, जो कि एक ग्रुप ऑर्बिटल है, दो ऑक्सीजन है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। ये दोनों मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद मिड में बनेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो हम ड्रॉ कर चुके हैं कार्बन के ऑर्बिटल 2s, और ये हैं 2p, px, py, pz, तीनों इक्वल एनर्जी के होंगे। ये हैं px, py, pz। ऐसे ही इधर आप चाहें तो एक एनर्जी पोल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो तब भी चलेगा। जैसे यहाँ ड्रॉ किया है, ऐसा ही एक एनर्जी पोल यहाँ भी ड्रॉ किया जा सकते हैं। तो ऑक्सीजन के जो ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, तो 2s, देखिए एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल है तो दूसरे ऑक्सीजन का भी 2s, और दोनों इक्वल एनर्जी का होगा। वैसे एक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो एक उसका होगा px, py, pz, तो दूसरे का भी होगा क्या, px, py, pz, ठीक है। तो ऐसे बनाए हैं, चाहे तो ये 6 ऑर्बिटल को इकट्ठे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके दिखा सके, चाहे तो 3 ऊपर 3 नीचे आप दिखा सकते हैं। ये इसमें भी आप ये कर सकते थे, 1 नीचे 1 ऊपर। उसकी एक कंडीशन होती है क्यों ऐसा करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। किसी बुक्स में इस तरीके से लिखा रहता है और किसी में एक ऑर्बिटल ऊपर 1 नीचे किए रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब ये जो हमने बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी बनाई थी, अब इनका यूज करके हम देखेंगे कि इनके क्या क्या ऑर्बिटल बन सकते हैं। तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल 2 हैं, तो इन्हीं में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, कार्बन में तो बस कोई केस नहीं है। एक एस का ये बनेगा, ये दिख रहा है, एक px, pz, py, और ऐसे ही px, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन में है एस की 2 पॉसिबिलिटी, तो दोनों को, एस की जो 2 पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो एस की वो 2 पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों ऑर्बिटल एक फेज में हो, बीच में कार्बन से कनेक्ट है, या फिर दोनों, आप ये बना सकते हैं, या तो दोनों अपोजिट फेज में हो, या फिर दोनों ऑक्सीजन के जो एस ऑर्बिटल हैं वो सेम फेज में हो, शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का एस और दूसरे ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल है, ये अपोजिट फेज में हो सकते हैं या फिर सेम फेज में हो सकते हैं। ऐसे ही पी की भी बात कर लेते हैं, पी के ऑर्बिटल को भी यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। पी के ऑर्बिटल भी आपको दिख रहे हैं, 1, 2 का ग्रुप ये बना है, देखिए 2 का ग्रुप ये बना हुआ है, pz की 2 पॉसिबिलिटी, px की 2 पॉसिबिलिटी, और सॉरी py की भी 2 पॉसिबिलिटी। तो इनको भी ये जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6 इन पॉसिबिलिटी को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पहला केस है, हमने बनाया है pz वाले ऑर्बिटल, या तो दोनों ये एक डायरेक्शन में होंगे सेम फेज वाले, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, आमने सामने हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दी। ऐसे ही अगर आप कहेंगे py की पॉसिबिलिटीज को, py स्लाइटली टिल्ट कर दीजिएगा,
या तो ये दोनों सेम फेज वाले सामने सामने हो सकते हैं, इधर भी देखिएगा, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं अपोजिट, और ये दोनों के दोनों जो होंगे ये कंडीशन जो है ये कार्बन में जुड़ी हो सकती है, मतलब कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन के ऑर्बिटल पी वाई वाले जुड़े हैं या तो सेम फेज में हो सकते हैं या फिर अपोजिट फेज में हो सकते हैं। और लास्ट कंडीशन PX, ये PX वाले ऑर्बिटल या तो आमने सामने होंगे सेम फेज में होंगे, ठीक है, या फिर PX वाले ऑर्बिटल क्या होंगे अपोजिट फेज वाले होंगे जो कि कार्बन से ओवरलैप कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा PZ वाला, ठीक है, ये है PY वाला और ये है PX वाला, ऐसे यहाँ भी है, ये है PZ, ये है PY और ये है PX। तो PX की दो पॉसिबिलिटी, दो PY की दो पॉसिबिलिटी ये, ठीक है, और PZ की भी दो पॉसिबिलिटी, ठीक। तो ये हमने इसीलिए पॉसिबिलिटी बनाई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन रूल ये कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो प्रॉपर सिमेट्री के होंगे, इन अ फेज होंगे। तो हम चेक करते हैं, अभी मैंने उससे पहले आपको एक एनर्जी का सीक्वेंस बताया था कि कार्बन के 2s की एनर्जी कितनी होती है, -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम पहली पॉसिबिलिटी की तो यही देखेंगे कि क्या कार्बन के 2s ऑर्बिटल इन 2s ऑर्बिटल इन में से या इसमें से किसी एक से क्या ओवरलैप या दोनों से ओवरलैप करेंगे। तो हमने देखा कार्बन के जो 2s की एनर्जी है -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी कितनी है -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखा इन दोनों 2s, कार्बन के 2s और ऑक्सीजन के 2s के बीच क्या है एनर्जी डिफरेंस है, वास्ट एनर्जी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है। तो नियम यही कहता है, रूल ये कहता है वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जो लगभग इक्वल एनर्जी के हों, ठीक है, अबाउट टू इक्वल एनर्जी। लेकिन इनमें ज़्यादा डिफरेंस है -19 और -32 इन दोनों में कि ऑक्सीजन के 2s और कार्बन के 2s की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये जब ओवरलैप नहीं करेगा, कार्बन के 2s से ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये जो 2s है ऑक्सीजन के 2s जब कार्बन के 2s से नहीं कर पा रहे तो इससे तो वैसे नहीं कर पाएंगे, इसकी एनर्जी तो और ज़्यादा है, तो इन दोनों में तो एनर्जी डिफरेंस और बढ़ गया। तो जब इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ये भी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे और ये वाले ऑर्बिटल इससे भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो जब ये दो ऑर्बिटल इनसे ओवरलैप कर ही नहीं पा रहे हैं, बॉन्डिंग हो ही नहीं पा रही है, तो ये ऑर्बिटल कहाँ चले जाएंगे, ये ऑर्बिटल चले जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में। तो नॉन बॉन्डिंग के ऑर्बिटल जो होते हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं पेरेंट के बराबर। तो आप इसको शॉर्ट शॉर्ट करके डॉट डॉट करके एमओ बीच में बनाने, तो ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर शो कर दिए कि ये दोनों ऑर्बिटल किसी से ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये कहाँ चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में ही रहेंगे, ठीक है, ये दो ऑर्बिटल। अब हम जाते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि ये जो 2p के ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py, 2pz, इसकी जो तीन और तीन कितनी होंगी, 6 पॉसिबिलिटी, वो इसके s और px, py, pz से कैसे ओवरलैप करती है। तो इसमें भी रूल वही है, एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। तो आपको मैंने बता ही दिया है कार्बन के 2s -19 है, 2p 11 है लगभग बराबर, और ऑक्सीजन के 2p की भी है 16, तो ये लगभग बराबर एनर्जी के हैं। तो ये इससे, ये इससे, जो ऑक्सीजन है ये इससे भी कर सकता है ओवरलैप, इससे भी कर सकता है। तो हम चेक करते हैं, तो कार्बन का जो 2s है ये ऑक्सीजन के 2p में से, इनमें से किससे ओवरलैप करेगा। तो पहले s वाला हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल इनमें से किससे ओवरलैप कर सकता है, क्लियरली दिखाई आपको दे रहा होगा, ये जो कलर्ड वाला ऑर्बिटल है एस वाला कार्बन का, वो किस वाले से, और यहाँ तो होना ही नहीं है ओवरलैप क्योंकि इसकी तो एनर्जी बहुत कम थी, तो पी में शुरू आ रही है। तो कार्बन का जो एस ऑर्बिटल था ये कलर्ड वाला, अगर यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो अपोजिट फेज वाले हो जाएंगे, कलर्ड वाला इससे तो मैच कर लेगा, इससे मैच नहीं करेगा, तो ये सिमेट्री प्रॉपर नहीं है, तो इसमें तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं।
तो बचा क्या ये वाला। अगर यहां पर बीच में मैं कलर्ड वाला रखूं तो कलर्ड वाला कलर्ड वाला कलर्ड वाला ये सेम फेज में है तो यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये वाला पीजेड का जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे देखिए, एक ऑर्बिटल बनाएंगे और इसका डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेंगे। कार्बन का ये 2s ऑर्बिटल है, ये इसके ये वाले 2pz, ये वाले 2pz से ओवरलैप करेगा। ऑक्सीजन का ये वाला ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन का ऑर्बिटल दिख रहा है। ये कार्बन का ऑक्सीजन के ऑर्बिटल जो है सेम फेज में है, कलर्ड कलर्ड एक जगह है, तो इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव लोग आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये बना कैसे, इसको आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इसका 2s जो है, इसका 2s इसके 2p से मिला। कौन से वाले 2p से? 2pz। बस यहां पर आप लगा सकते हैं कि 2p में से किसी एक से मिला है, इस pz से मिला, तो यहां पर क्या है, बॉन्डिंग हो गई। अब जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये अपोजिट फेज में भी हो सकता है। तो कार्बन का जो 2s है इसको एक बार अपोजिट फेज में भी हम इस ड्रॉ कर लेंगे। अपोजिट फेज में कैसा देखिए, पेरेंट ऑर्बिटल से थोड़ा ज्यादा रहेगी एनर्जी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करके वही कार्बन का एक बार अपोजिट फेज में शो कर सकते हैं। आप नीचे बना लीजिए कहीं भी, ठीक है। एक बार आपने कलर दिखाया, एक बार ये दिखा दीजिए, एंटी बॉन्डिंग का बनाना है क्योंकि ठीक है। इनको ऐसे ही रहने दीजिए, इनको चेंज नहीं करेंगे ऑक्सीजन वाले को। बस कार्बन का ऑर्बिटल जो है वो एक कलर्ड वाला दिखाया तो यहाँ पर ये विदाउट कलर है, मींस यहाँ पर ये आउट ऑफ फेज है। तो आउट ऑफ फेज मींस बॉन्डिंग नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। तो इसको भी हम इसके साथ मैच कर लेंगे, सिमेट्रिक ही इसी से बना हुआ है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर देते हैं, एस का ये वाला ऑर्बिटल यूज़ हो चुका है और इसका ऑक्सीजन का ये वाला ऑर्बिटल यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो इसमें टिक कर दिया है। अब देखते हैं और कौन से, ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। अब पी के कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और सल और कार्बन के कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन तीनों में से एक। तो देखते हैं अब क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं जो कार्बन का पीजेड ऑर्बिटल है, वो कार्बन का पीजेड ऑर्बिटल, इसके एक पीजेड तो हमने यूज कर लिया था ये वाला जो हमने टिक किया हुआ है, तो एक पीजेड और बचा है। तो कार्बन का जो पीजेड है वो ऑक्सीजन के इस वाले पीजेड से ओवरलैप करेगा। देखिए तो अब ये वाला ये यूज हो गया था तो ये बचा है, तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला पीजेड। अब कार्बन का पीजेड ड्रॉ कर रहे हैं, कलर्ड वाला कलर्ड के सामने, और ये हो जाएगा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ। तो मैचिंग सिमेट्री है तो यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल है और इसको हम ड्रॉ कर देंगे। इसका जो है पीजेड वाला ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका पीजेड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको ऐसे करके शो कर देंगे जहां से ओवरलैप। अब ये बॉन्डिंग पॉसिबल है, बॉन्डिंग हुई है तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा रहती है यहां पर ड्रॉ करेंगे। इसमें आप वही सेम, इनको तो ऐसे ही रखिएगा, सॉरी ये वाली तो ऐसे ही रखिए, बस कार्बन का फेज चेंज करें जैसे इसमें चेंज किया था,
फेज चेंज किया था, कार्बन का चेंज कर दीजिए। यहाँ कलर्ड वाला इधर बनाया था, इसमें अब इधर आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग के लिए बनाने के लिए। तो अभी देखिए क्या ये मैचिंग सिमेट्री हो रही है, ये कलर्ड है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करता है, तो ये जो हो जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग का हो जाएगा। और ये बना है इसके पीजेड, ठीक है, पीजेड और ऑक्सीजन के पीजेड से मिलके। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल भी, इसका एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल। अब देखिएगा इसका कार्बन का पीजेड यूज हो चुका है और इसका ऑक्सीजन का पीजेड यूज हो चुका है। बच्चे कार्बन के पी वाई पी एक्स बचे हैं और ऑक्सीजन के पी वाई के दो केस और पी एक्स के दो केस बचे हैं, तो इनमें से ही कोई एक अब इनसे ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कार्बन के जो पी वाई और पी जेड है, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। वैसे भी हमें डायग्राम में पहले ही देखा था कि कितने पाई बॉन्ड बनने हैं, दो पाई बॉन्ड बनने हैं। तो एक तो पी वाई ऑर्बिटल कार्बन का पाई बॉन्ड बनाएगा और दूसरा पी जेड ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, और दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी इक्वल रहती है तो ये इक्वल एनर्जी पर बनेंगे। तो देखिए ये दो ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम, इक्वल एनर्जी के बनेंगे। ये ऑर्बिटल इस एस से, ये जो पेरेंट ऑर्बिटल है एस कार्बन का, इससे थोड़ा नीचे बनेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी होने की वजह से ये इक्वल में आगे, लेकिन ये इक्वल से अभी नीचे ही है, ठीक है। तो कार्बन के 2s से इनकी एनर्जी, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनकी एनर्जी कम ही रहेगी। तो इनके डायग्राम को मैं अभी शो कर रही हूँ, देखिए तो कुछ ऐसे रहेगा, कार्बन का पी वाई अभी जो कर रहे हैं, कार्बन का पी वाई जो है वो इसके पी वाई से ओवरलैप करेगा, सेम फेज वाले से, ठीक है। तो हम इसको टिक कर लेते हैं, पी वाई से सेम फेज वाले से ओवरलैप करेगा। तो पहली कंडीशन ये बनेगी, कार्बन का पी वाई ऑर्बिटल ऑक्सीजन के सेम फेज वाले पी वाई से ओवरलैप करेगा, ठीक है। कार्बन का पी वाई ऑक्सीजन के दो पी वाई सेम है, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, बनाना बॉन्ड बनाएंगे, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये इसके लिए। अब ऐसे ही, ठीक है, ये यूज कर लिया पी वाई। अब कार्बन का पी एक्स ऑर्बिटल ऑक्सीजन के सेम फेज वाले पी एक्स इससे ओवरलैप करेगा, ये वाले से, इसमें ये वाले से ओवरलैप करेगा, कार्बन का पी जेड एकदम परपेंडिकुलर होगा, ये ओवरलैप करेगा ऑक्सीजन के पी एक्स ऑर्बिटल से, पी एक्स कार्बन का पी एक्स ऑक्सीजन के पी एक्स से सेम फेज वाले से ओवरलैप करेगा। तो सेम फेज वाले आमने सामने हैं, तो इससे एक पाई बॉन्ड इससे बनेगा, एक पाई बॉन्ड इससे बनेगा। तो इसको हम मैचिंग सिमेट्री शो कर देते हैं। जैसे आपने बॉन्डिंग वाला बनाया, इसका पी वाई पी जेड, पी वाई पी जेड इसके पी वाई पी जेड से मिक्स हुआ, तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। एंटी बॉन्डिंग में आप क्या करेंगे, कार्बन का फेज उलट देंगे, इसको अपोजिट दिखा देंगे, बस इसका फेज चेंज कर दीजिए। कार्बन का फेज चेंज किया तो बॉन्डिंग पॉसिबल है इन दोनों की, अपोजिट फेज में नहीं, तो यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग वाले बनेंगे। अब इसको भी आप यहाँ और यहाँ अटैच कर दीजिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। अब देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल बच गए, इसने पार्टिसिपेट किया, कार्बन के पी वाई पी एक्स पी एक्स पी वाई पी जेड इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ अगर बात करें तो कार्बन की ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ये वाले 2s वाले, तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में, ये कहाँ चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग वाले, ये वाला भी क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग में। s के दोनों ऑर्बिटल चले गए कहाँ, नॉन बॉन्डिंग में।
अब इसके अलावा और कौन बचा, इसने ओवरलैप किया, इसने ओवरलैप किया, इसने भी ओवरलैप किया, इसने भी ओवरलैप किया सेम फेज वालों ने, लेकिन ये दो ऑर्बिटल बच गए हैं। कौन से वाले? पी एक्स का अपोजिट फेज, पी एक्स का अपोजिट फेज, ये नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा, और पी वाई का भी अपोजिट फेज, ये वाला, ये चला जाएगा किसमें? नॉन बॉन्डिंग में। जो ऑर्बिटल अपोजिट फेज वाले हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो वो नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, और नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? पेरेंट ऑर्बिटल के एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो कितने ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग में गए? एक ये पी एक्स वाई अपोजिट फेज वाला, एक पी वाई वाला, इसके सामने, ठीक यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे, एक दो, ये नॉन बॉन्डिंग में चले गए। आप चाहें तो इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाले, इन दोनों को, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, पी एक्स का अपोजिट फेज और पी वाई का अपोजिट फेज, ये किसी से मैच सिमेट्री मैच, मतलब सेम सिमेट्री वाले नहीं मिल रहे हैं, तो ये दोनों नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे। वैसे इनकी एनर्जी बहुत कम थी, सिमेट्री तो मैच कर सकती थी इनसे, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस में थी, तो सेम एनर्जी वाले ही ओवरलैप करते हैं, तो ये भी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो ये जो है, ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये कंप्लीट एमओ डायग्राम है सी ओ टू का। अब इसमें इनकी नेमिंग कर सकते हैं हम, इसको सिग्मा वन नाम दे देते हैं, इसको सिग्मा टू, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये दो ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको पाई वन पाई टू भी लिख सकते हैं या खाली पाई लिख सकते हैं। अब इसके अपोजिट, इसी ने जो एंटी बॉन्डिंग बनाया है, इसको नाम दे देंगे सिग्मा वन स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाले को स्टार से शो करते हैं। इसी का सिग्मा टू वाले का जो एंटी बॉन्डिंग बना है ये, इसको दे देंगे सिग्मा टू स्टार, और ऐसे जो पाई बॉन्ड हैं इनके जो एंटी बॉन्डिंग वाले बने हैं इनको क्या कहेंगे? पाई स्टार। तो ये नेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बी वन यू, बी टू यू, ऐसे करके भी नाम किया जाता है, इसको ए जी, इसको 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 भी ए जी नाम दिया जाता है, इसको भी ए जी नाम देंगे। ये भी वैसे सिग्मा बॉन्डी फॉर्मेशन करते हैं, बट यहाँ पर ओवरलैपिंग हो नहीं रही है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं, पेरेंट ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, ये पेरेंट ऑर्बिटल हैं, इनसे लोअर एनर्जी वाले ये कहलाते हैं बी एम ओ। तो सिग्मा वन, सिग्मा टू और पाई जो हैं बी एम ओ, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल के बराबर है वो एन बी एम ओ, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से ज़्यादा है वो हो जाएंगे ए बी एम ओ, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और इस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत कम व्यूज़ आते हैं वीडियोस में, तो थोड़ा सा मॉरल डाउन हो जाता है, बट आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो इसे देख सके, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएं। इस मैटर को भी कलेक्ट करने के लिए मैं बहुत सी बुकों का, बुक से मैंने हेल्प ली है, तो अच्छा सा मैटर कलेक्ट करके मैंने आपको पढ़ाया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि हम हाउ टू ड्रॉ द एमओ डायग्राम ऑफ CO2। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।